के लिए अब 15 से भी कम दिन बचे हैं। लगभग सभी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं, मगर अखिलेश यादव इस मामले में थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। जी हाँ, जिसे अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार ज्यादा प्रेशर में है। दरअसल यूपी के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तीन वजहों से चल रही है। पहली वजह, पिछले 7 दिन के भीतर अखिलेश यादव अपने 9 उम्मीदवार बदल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। साथ ही अखिलेश यादव ने अब तक मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, बागपत, बदायूं, मिश्रिख, नोएडा, संभल और खजुराहो में प्रत्याशी बदल चुके हैं। मेरठ, नोएडा, मिश्रिख, मुरादाबाद में 3-3 बार नाम घोषित किए गए। चर्चा की दूसरी वजह सपा का चुनावी कैंपेन का शुरू ना होना भी है। समाजवादी पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी कैंपेन की शुरुआत नहीं की है, ना ही पार्टी की ओर से कोई टाइटल सॉन्ग ही जारी किया गया। साथ ही तीसरी और अहम बड़ी वजह, बड़े सीटों पर उम्मीदवार घोषित ना करना। सपा ने जौनपुर, कन्नौज जैसी सीटों पर अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। तो वहीं सपा ने उम्मीदवार बदलने का सिलसिला तीसरी लिस्ट से शुरू किया। तीसरी लिस्ट में सपा ने पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को मैदान में उतारा था। धर्मेंद्र को पार्टी ने उस वक्त आजमगढ़ का प्रभारी बनाया था। इसके बाद सपा ने मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, बागपत और बिजनौर जैसी अहम सीटों पर भी उम्मीदवार बदलने का ऐलान कर दिया। इससे ज्यादा ड्रामा मेरठ और मुरादाबाद सीट को लेकर देखने को मिला। मुरादाबाद में सपा ने पहले ST हसन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आजम खान के दबाव में उनका टिकट काट कर रुचि वीरा को टिकट देने का ऐलान कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने फिर से रुचि वीरा के बदले ST हसन को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की, लेकिन आखिर में रुचि वीरा टिकट लेने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि सपा का अंदरूनी झगड़ा फिर से बाहर आ गया है। नागपुर और मुरादाबाद में तो पार्टी की आंतरिक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी। तो वहीं अब सपा प्रमुख के लिए इन सब चीजों को संभालना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने अब तक कैंपेन की शुरुआत भी नहीं की है। बता दें कि यूपी में 8 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान प्रस्तावित है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस चुनावी दौर में इतनी कम तैयारियों के साथ सपा इस बार चुनावी मार को झेलती है। बाकी देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट देखते रहिए TV27 न्यूज़।